न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ दैट स्टमक पैड. ओके, स्टमक पैड इसके पीछे होता है लाइक दिस, सो इट विल हेल्प द स्टमक टू रिमेन इन इट्स पोजिशन एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लेसर मोमेंटम एज वेल. सो इज इट क्लियर? जब तक खुद नहीं पकड़ोगे, नहीं देखोगे, मैम इसका आर्टरी और वेन पूरा फैला हुआ रहेगा या फिर लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर पे रहेगा? इट विल रन अलोंग द मेन आर्टरी, दैट विल रन अलोंग द बॉर्डर्स. ओके, देन इट विल गिव द ब्रांचेस दैट विल सप्लाई हियर ऑल द यस, बिकॉज़ दैट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड सबसे पहले इधर पीछे की तरफ होता है हमारा एब्डोमिनल एरिया. फ्रॉम द एब्डोमिनल एरिया देयर इज अ ट्रंक अराइजिंग दैट इज कॉल्ड सीलिक ट्रंक. ओके, that cilic trunk is dividing into the gastric artery and the hepatic artery. So okay. It is in between it. Gastric artery will come here, hepatic artery will go here within the liver. Okay? So you should know both the right and left gastric artery from where they are arising. It is already given in the PPT. Yes, so suppose you have a blood supply of the stomach, so do not focus only on the arterial supply. The meaning of blood supply is arterial supply and venous drainage. Okay, if you have a question like define the arterial supply, then you will only mention the arteries of the stomach. Agar aapke paas question aata hai blood supply, then you will mention the arterial supply as well as the venous drainage. Agar aapne arterial supply ko hi attempt kiya aur venous drainage aapne chhod diya, you will not get the marks, full marks. Okay, marking kitne mein se hogi? आधे में से. If you have a question, blood supply of any organ, any part of the body, then you will write arterial supply and venous drainage. Here, arterial supply में you will write the name of the arteries and from where that artery is coming. Okay? Venous drainage में आप क्या करोगे? Veins के नाम लिखोगे और finally vein किस में जाके drain कर रही है उसका नाम लिखोगे. Like right and left gastric veins are there and they will drain into the inferior vena cava. Okay? हाँ, डायग्राम बना के छोड़ सकते हो, पर तुम्हारा डायग्राम उतना एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. तो तुमने बनाया बेटा, पता है ना तुम्हारा? मैम ग्रेटर कर्वेचर पे मैम एक येलो कलर का जो पार्ट बताया था वो क्या होता है? मैम ग्रेटर कर्वेचर के साइड में येलो कलर का जो बताया था अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट नहीं, ये जो ग्रेटर मोमेंटम होता है ना, इसके पूरे ऊपर फैट पड़ा हुआ होता है. सो दैट ये क्या करता है, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन, इट विल कवर ऑल ओवर योर स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? सो स्मॉल इंटेस्टाइन इट नीड्स द प्रोटेक्शन, सो देयर इज अ लेयर ऑफ फैट, सो दैट इज कॉल्ड एज द विसरल फैट. यस, सो वो तो लेसर मोमेंटम, सॉरी ग्रेटर मोमेंटम पे होता है. नाउ कमिंग टू द व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टमक, इधर क्या नाम है? हाइपोग्रेस. अच्छा, तो ये ना वो अभी अभिषेक जिसने सैटरडे को फोन किया था गाड़ी खराब होने वाला, बताओ. यस, गैस्ट्रो हिपैटिक इज अ पार्ट ऑफ लेसर मोमेंटम. ओके, तो हियर इज दिस एरिया व्हिच इज कॉल्ड एज द पोर्टा हिपैटिस. सो द पार्ट ऑफ द लेसर मोमेंटम व्हिच इज अटैच्ड हियर, इट विल गेट slightly thickened to form the ligament. Okay, so that much part is called as the gastrohepatic ligament. It means it is a part of your lesser omentum. Okay. मुझे मत दिखा, मैंने पढ़ाया है पूरा लेक्चर, ठीक है, मेरा ही PPT है वो. हाँ, तो उसमें पढ़ेगा दूसरे स्लाइड में, तो उसमें लिखा है किधर है, किधर है? There are 9 quadrants. तो आपको अब राइट लेफ्ट नहीं करना है. यू हैव टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी एब्डोमिनल ऑर्गन्स अकॉर्डिंग टू द एरिया कवर्ड इन द क्वाड्रेंट. लेफ्ट साइड में तो है, बट कहाँ? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक एरिया एंड लेफ्ट लंबर एरिया, और स्लाइटली इन द अपर पार्ट ऑफ अम्ब्लाइकल एरिया. ओके, लिखा है? Yes, ma'am. मुझे दिखा रहा लेफ्ट में. ओके, सो दिस इज लिवर. क्लियर? कौन सा साइड होता है? राइट. एपिगैस्ट्रिक, राइट एपिगैस्ट्रिक, अपर अम्ब्लाइकल रीजन. अम्ब्लाइकल में आता है
अपर मैम अपर पार्ट अपर पार्ट का आता है और फिर राइट लंबर रीजन अपर देखो दिस पार्ट विल गो टू द राइट लंबर रीजन दिस विल गो टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम दिस विल गो टुवर्ड्स द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड दिस मिडिल वन विल बी इन द लेफ्ट सॉरी एपिगैस्ट्रिक एंड दिस इज इन द एम्ब्लाइकल एरिया क्लियर सो दिस इज द लिवर इतना छोटा नहीं होता है ठीक है ये एज टू एज वेरी करता है बॉडी स्ट्रक्चर भी वेरी करता है ठीक है नाउ यू शुड नो द एवरेज वेट एंड साइज ऑफ द ओके नाउ एग्जाम में हो सकता है दूसरा लिवर रखें बड़ा सा तो हाउ यू विल होल्ड दिस लिवर इन टू द एनाटॉमिकल पोजीशन डू यू नो हियर दिस इज द ओपनिंग ऑफ द दिस इज इंफीरियर पेनाकेवा ओके लुक When I am holding the liver like this, okay, this is the superior surface, this is anterior, so entirely this is called as the anterior superior surface or diaphragmatic surface, clear? How you will hold this liver in the anatomical position, you will see the opening of this inferior vena cava, okay? Abhi kaisa hai? I cannot see through and through opening, but for to hold this liver in the anatomical position, you will hold it like this so that you can see through and through opening of the inferior vena cava okay dono end kaise aa jayenge iske vertically aayenge so this is the anatomical position like this because agar aise dekh rahe ho normally aise khada hai humne aise uthaya so inferior what is the location it is obliquely hai na so you will rotate it up to when you can see through and through opening through the inferior vena cava this is very important point mere haath mein pakda hai isse aapko easy lag raha hoga nahi theek hai so this is the anatomical position and posterior side mein hoga na ha posteriorly hota hai and you will hold it in right hand yes ma'am right right side ek haath mein to chota hai so you can hold it stomach ko left side mein aur isko right side okay so this is through and through opening so this is the liver anatomical position now how many surfaces it has five here this is called as the this is superior ऊपर से क्या होता है superior lateral so between the thoracic cavity and the abdominal cavity there is a muscular structure diaphragm so this surface is called as the diaphragmatic or superior surface yes ma'am okay here this is the anterior and then inferior. This is called as the posterior and this is inferior but entirely this surface is called as the posterior inferior surface clear this one upper part is called as the posterior lower part is called as the inferior but hence it is in a continuation so it is called as the posterior inferior surface because it is like this okay yes, then it has two